हाय, सो इन दिस वीडियो मैं स्पेंड करने वाला हूँ 24 घंटे इस तरीके के एक वीआर के अंदर। दैट मींस 24 घंटे तक मैं इस वीआर को अपने सिर से नहीं उतार सकता हूँ। इसका मतलब मैं खाना पीना घूमना एंड ये देखो एक्चुअली मैं अनपीन हूँ। अब तुम में से कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि why? Like, I mean, रचित क्यों? So, if तुम लोग YouTube पे एक्टिव हो तो तुम लोग को पता होगा 24 hour challenges के बारे में, जिसमें यूट्यूबर्स कुछ चैलेंज लेते हैं एंड उसको वो 24 घंटे तक करते हैं। एंड इसमें सबसे पॉपुलर है मिस्टर बीस्ट की पूरी सीरीज है 24 hours की। बट द थिंग इज दैट कि जितनी भी ये 24 hour challenges videos होती हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फेक। Like, मैं यहाँ पे मिस्टर बीस्ट को टारगेट नहीं कर रहा, उसकी वीडियोस रियल होती हैं, बट मोस्ट ऑफ दिस क्रिएटर ये नकली वीडियोस बनाते हैं। सो इसी से मेरे मन में आइडिया आया कि लेट्स सी, अगर मैं इन्हीं में से दो सबसे टफेस्ट चैलेंजेस को करूं तो आखिर मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जिसमें मैंने लोगों से पूछा इनमें से मैं कौन सा चैलेंज करूं, एंड मोस्ट ऑफ द लोगों ने कहा 24 आवर्स इन अ वीआर। सो स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि ये बहुत ज्यादा इजी होगा, बट ट्रस्ट मी आगे जाके मेरी बहुत ज्यादा गंदी हालत हो गई थी। सो इफ यू डोंट नो, तो अकॉर्डिंग टू दीज वीआर कंपनीज तुम्हें इसको एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के लिए ही यूज करना चाहिए, बट मैं इसको 24 घंटे तक यूज करने वाला हूँ। ओके, सो ये है मेरा वीआर, मैंने जस्ट अभी निकाला, एंड इसके साथ ये दो कंट्रोलर्स हैं, इनको अपने हाथ में पहनना पड़ता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो अभी वीआर है ना, मतलब ये फुल्ली चार्ज नहीं है, ये ओपन तो हो रहा है, बट यहाँ पे तुम्हें इसके अंदर अभी एक लोगो दिख रहा था, मेरा चश्मा भी इसके अंदर रह गया। ओ, मेरे को बस ब्लैक एंड ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है भाई अभी इसमें। अभी ये भी चार्ज नहीं है क्या? यस गाइस, एक्चुअली मेरे कंट्रोलर्स भी चार्ज नहीं है, तो मेरे को इनकी बैटरी लानी पड़ेगी एंड इसको भी चार्ज करना पड़ेगा। सो मैंने बहुत टाइम के बाद अपना वीआर निकाला था एंड मेरा वीआर काम नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे वीआर के कंट्रोलर्स की बैटरी खत्म हो गई थी। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले अपना वीआर चार्ज करना पड़ा और नई बैटरीज लानी पड़ी। ओके, सो ये रहे मेरे कंट्रोलर्स एंड मैंने जस्ट अभी ये सेल्स मंगाए हैं। आई जस्ट होप कि ये वाली बैटरीज काम कर जाएं। ओ यस यस, करी काम। तो हमारे दोनों कंट्रोलर्स रेडी हो गए हैं, नाउ वी कैन स्टार्ट। सो फाइनली ये बैटरीज वगैरह डालने के बाद अब हमारा स्टार्ट होता है ये चैलेंज। सो आई थॉट कि मैं अपने पीसी पे जाऊंगा, मैं इस वीआर को उठाऊंगा एंड मेरा चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, बट मेरे को एक्चुअली में एक घंटा लग गया इस वीआर को अपने पीसी से कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज मेरा तार वीआर में कनेक्टेड था और पीसी में भी कनेक्टेड था, बट मेरे पीसी पे दिखा रहा था ये कनेक्टेड ही नहीं है। सो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको कनेक्ट किया एंड देन फिर मेरे को एक घंटा लग गया इस वीआर को चालू करने में, बिकॉज लास्ट बार जब मैंने इस वीआर को चलाया था आज से मंथ्स पहले, तब ये वीआर फेसबुक का था, बट अभी ये वीआर मेटा का है, तो मेरे को बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह भरने पड़े जिसमें मेरी हालत खराब हो गई थी। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमारा पहला घंटा स्टार्ट होता है। सो मैं होता हूँ अपने एक वर्चुअल घर के अंदर, जो कि मेरे रियल लाइफ घर से काफी सुंदर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं एक टोनी स्टार्क के घर में हूँ। मेरे को स्टार्टिंग के एक घंटे में तो इस वीआर को समझने में टाइम लग गया क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट आए थे, बट उस सबके बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे को इसमें 24 घंटे स्पेंड करने हैं तो क्यों ना मैं कुछ वीडियो गेम्स खेलूं। तो मैं आ जाता हूँ एक पैनल के सामने जहाँ पे अब मेरे हाथ भी है और मैं बहुत सारी चीजें सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्ले करता हूँ माइनक्राफ्ट को, क्योंकि व्हाई नॉट, वीआर के अंदर माइनक्राफ्ट खेलने में कितना मजा आएगा। मेरे को याद है मिथपेट ने एक बार वीआर में माइनक्राफ्ट खेला था, तो आई थॉट अगर मैं माइनक्राफ्ट खेलूंगा तो मेरा एक दो घंटे तो आराम से निकल जाएंगे, बट गेस व्हाट, कब चालू हो गई ये। सो या मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया बट मेरा माइनक्राफ्ट इसके अंदर चल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे गेम्स तो हैं, बट वो सारे के सारे पेड हैं। तो या मैं सर्च करने लगता हूँ फ्री गेम्स के लिए। लेट्स सी क्या क्या फ्री है इसमें। फ्री माई साइट, इसको डाउनलोड करो, ये अच्छा दिख रहा है, एंड इसको डाउनलोड करो, ये अच्छा दिख रहा है, जो भी है। ओ, मेटा होराइजन। जब तक ये गेम डाउनलोड हो रहे थे तब तक मेरे को याद आता है कि अब तुम वीआर के अंदर अपना एक कैरेक्टर बना सकते हो, यानी अपना एक अवतार। सो या मैं अपना एक अवतार बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। अब इसमें कोई मेरे जैसा तो है ही नहीं हैंडसम, सिर्फ एक इंडियन है इसमें जो कि ये है पगड़ी बांधे हुए। ओ पापा जी, और कोई तो इंडियन है ही नहीं इसमें। ओके, ये वाला बंदा लग रहा है थोड़ा मेरे जैसा, बस मैं इतना गोरा नहीं हूँ। अबे ये लड़की है, ओ माय गॉड ये लड़की है,
सो फाइनली गाइस आफ्टर एक घंटे के बाद मैंने अपना फाइनली एक कैरेक्टर बना लिया है जो कि है ये। देखो मेरे इस खूबसूरत कैरेक्टर को, ये है टोनी स्टार्क एक्स रचित वर्जन। वो बहुत क्यूट लग रहा है। सेव एंड एग्जिट। नाइस। इतनी ही देर में मैंने जो भी गेम्स डाउनलोड लगाए थे वो सारे डाउनलोड हो जाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला गेम हाइपर डैश। ये एक शूटिंग गेम है और मेरे को हमेशा से ही वीआर के अंदर शूटिंग गेम खेलना था एंड मेरा रिएक्शन कुछ इस तरीके का था। ओके मैं कहां पर आ गया? ये कुछ तो है। ये जो भी है लेस, ये देखते हैं किस चीज के ऊपर है ये गेम। ओ ब्रो मेरे पास गन्स है और मैं एक रोबोट हूं। ए को आगे जाना है क्या? ओ चल सकता हूं मैं। गो भागूं कैसे? ओ ऐसे गोली भी चलती है इससे। मेरे को मार दिया इन्होंने तो 2 सेकंड में। मेरे को लगा कि मैं इस गेम में बहुत ज्यादा प्रो होऊंगा लेकिन मेरी हालत कुछ गंदी हो रही थी, तो मैं इस गेम में बहुत गंदी तरीके से पिटता हूँ एंड मैं इस गेम को क्यूट कर देता हूँ। एंड अब मेरे को चाहिए थी थोड़ी सी शांति, तो मैं इसमें खोलता हूँ एक मेडिटेशन ऐप। या तुम वीआर के अंदर मेडिटेट भी कर सकते हो। सो इस ऐप का नाम था ट्रिप और मैंने इसका एक डेमो वर्जन खेला था क्योंकि भाई ये बहुत महंगा था खरीदने में। इसमें तुम्हें मूड चूज करना पड़ता है। मैंने इसमें चूज किया था इंस्पायर्ड मोड एंड देन मैं अचानक से एक पानी वाले एरिया में स्पॉन हो जाता हूँ एंड वहां पे सीनरीज बहुत अच्छे होते हैं। ये सीनरीज थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद मैं अचानक से ऊपर उड़ने लगता हूँ। मैं किधर जा रहा? देन मैं एक अलग ही यूनिवर्स में पहुंच जाता हूँ जो कि दिखने में और भी खूबसूरत था। एंड अभी ये एक गेम बन गया है जहाँ पे मैं अपनी आंखों से सामने वाले ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। सो इसको काफी देर खेलने के बाद मेरे को भूख लगती है तो मैं जाता हूँ खाना खाने। ओके अब मैं तुम लोग को देख पा रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा कैमरा रहा, ये मेरा, ये कर रहा हूँ मैं चालू, ठीक है? एंड मुझे किचन से कुछ लेना है। अरे वेट, ये इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन कह रहा था कि ये चीजें इजी है भाई? दिख रहा हूँ कि मैं नहीं दिख रहा? मेरे को खाना लेने में काफी दिक्कत हो रही थी बट मैंने फाइनली खाना ले लिया एंड देन मैं जाता हूँ दूसरे रूम में क्योंकि उस रूम में मेरा फ्रेंड सो रहा था। सो मैं इसके बाद पानी पीने जाता हूँ एंड वहां पे मेरे साथ ऐसा होता है। अबे मैं पीऊँ कैसे? ये तो बहुत बड़ा है, मेरे इस पे आ रहा है, मैं पी नहीं पा रहा पानी। ये देखो इसमें पानी पीना बहुत हार्ड है, ये देखना, ये टकरा रहा है भाई मेरे मुंह से। आई मीन ट्रस्ट मी, जितना तुम सोच रहे हो ये उतना इजी नहीं था। सो उसके बाद मैं दोबारा से अपने पीसी पे जाता हूँ एंड स्टार्ट कर देता हूँ बीट सेबर। सो ये गेम है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था। मैंने फर्स्ट टाइम प्यूडीपाई को देखा था इस गेम को खेलते हुए। इसमें तुम्हारे पास तलवार होती है जिससे तुम्हें स्लाइसिस करने पड़ते हैं जेलीज को एंड ये जो जेलीज है ये म्यूजिक के हिसाब से तुम्हारे पास में आ रहे हैं। जब मैं छोटा था तब मेरे को ये गेम बहुत फैसिनेटिंग लगता था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीआर के अंदर इस गेम को खेलूं। एंड मैंने इस गेम को खेला 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 और मैं पागल हो गया था इस गेम को खेलते खेलते। सो बीट सेवर को बहुत देर तक खेलने के बाद अब मेरे को लगाती है पी एंड एज यू नो मेरे को पी करने जाना है वो भी इस बीआर के अंदर और मैं इसको उतार भी नहीं सकता हूँ तो या मैं जाता हूँ। ओके सो मैं उतनी देर से वीट सेवर खेल रहा था एंड अभी मेरे को पी जाना है, ठीक है? तो अभी मैं एक और टास्क करने वाला हूँ दोस्तों जो कि है बीआर के अंदर पी। ये देखो एक्चुअली मैं आम पी हूँ। ओके तो मैंने पी कर लिया, अभी इट्स टाइम कि मैं अपना हाथ को साफ करूं। सो पी से आने के बाद अब बहुत टाइम हो गया था एंड मैं इसको बहुत टाइम से पहने हुए था एंड मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था तो मैं डिसाइड करता हूं कि अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरे लिए बेटर है। सो मैं स्टार्ट करता हूं यूट्यूब वीआर और मैं वीआर के अंदर कुछ वीडियोस चलाने की सोचता हूं जिसको देख के मैं सो जाऊं। स्लीपिंग म्यूजिक फॉर डीप स्लीप। ओके ट्रेजेडी सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती है। अरे भाई ऐड आ गया। ओ डैम। ओके अब मैं सो पाऊंगा। ओके मैं देख रहा हूं सब कुछ एंड अभी मैं सोऊंगा।
तो मैं ये वीडियोस देखते देखते सो जाता हूँ एंड देन मैं उठता हूँ रात के 8:30 बजे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं है, मैं बस अभी वो नींद से उठा। द थिंग इज दैट कि मेरे सिर से वीआर हट गया, बिकॉज जब मैं सो रहा था तो वो निकल गया था, तो मेरे को साइड में रखना पड़ा एंड मेरे यहाँ पर काला काला और हो गया था। तो अभी मुझे वीआर पहनना है दोबारा एंड देन पानी पीना है एंड दोबारा से ये चैलेंज स्टार्ट करना है। सो एक्चुअली जब मैं सो रहा था तब ये वीआर मेरे सिर से बार बार उतर रहा था, तो मैंने सोने के टाइम इस वीआर को थोड़ा सा उतार दिया था क्योंकि उस टाइम पे मेरी आंखें बंद थी। एंड जब मैं उठा तब मेरे को पता लगा कि मेरे वीआर के अंदर एक नया अपडेट आ गया है। एंड विद दिस न्यू अपडेट अब मैं एक स्पेस वाले घर में आ गया हूँ और मैं अपने आप को एक मिरर के अंदर देख सकता हूँ। और वो रहा मैं। What's up, bro? तो मैंने आधा एक घंटा इस अपडेट को अच्छे से देखा कि इसमें क्या क्या है एंड मैं उसके बाद गया पानी पीने। एंड पानी पीने के बाद मैं बैठा और मैंने और भी गेम्स को डाउनलोड किया एंड इन्हीं गेम्स में से था गोरिल्ला टैग। टू बी ऑनेस्ट अभी मैं बहुत टाइम से वीआर के अंदर था और मेरे को एक अच्छा गेम चाहिए था खेलने के लिए, तो मेरे को इस गेम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, बट ये मोस्ट पॉपुलर गेम है वीआर के लिए। तो जब मैंने इस गेम को स्टार्ट किया तब मैं था एक केव के अंदर और मेरे बस मेरे को हाथ दिख रहे थे एंड मेरे को इस केव के बाहर निकलना था। तो बड़ी मुश्किल से इस गेम को थोड़ा समझने के बाद मैं इस केव से बाहर निकलता हूँ और जैसे ही मैं बाहर थोड़ा सा निकला तभी मेरे को कुछ आवाजें चालू हो जाती हैं आना। और भी प्लेयर्स हैं एंड वो सारे के सारे मंकीज हैं और तुम उनसे बात कर सकते हो एंड मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था, वो मेरे को इंडियन बोलकर बुली कर रहे थे। What the f*** do you mean by I'm so Indian, bitch? I am Indian, you motherfucker. Bro, this kid is saying ki I am Indian and then he's saying ki I'm not Indian. You shut up, bitch. Teacher, hey, teacher. Oh, where are you? Oh, what is that? Can I eat this? Yeah, I mean if you want to, hold on. Come here. How? Wait, I'm coming, yeah. What's your name? My name is Fitu Izzy. How do I climb this? Oh, okay, come here. Yeah. Look, yeah. Walk up here. Okay, wait, let me jump, yeah. What the lag? Yeah, thank you. Okay, and then jump right here. Oh, okay. And then come in here. Want something to eat? Here. Okay, wait, I'm coming. Oh, give me. Ooh, thank you. Thank you. You're my friend. How do I shake your hand? यहाँ पे नेक्स्ट बच्चे मेरे को बुली कर रहे थे गेम के अंदर, बट इन्हीं बुली बच्चों के बीच में मेरे को मंकी मिलता है जो कि मेरा फ्रेंड बनना चाहता है एंड वो एक अच्छा इंसान है एंड वो मेरे से पूछता है कि क्या वो मुझे सिखा सकता है ये गेम कैसे खेला जाता है। तो जब भी वो मुझे ये सब सिखा रहा होता है तभी मेरा कैमरा डाइड हो जाता है एंड मैं थोड़ी देर के लिए अपने वीआर को निकालता हूँ कैमरा को रिस्टार्ट करने के लिए, बट उस चीज में मेरे को 5 मिनट लग जाती है एंड जब मैं वीआर के अंदर वापिस जाता हूँ तब सैडली मुझे मेरा फ्रेंड वहां पे नहीं दिखता है। वेयर आर यू माय फ्रेंड? Oh bro, he went silent. इस पूरे एक्सपीरियंस का एक ही बंदा जो मुझे पसंद आया था वो गायब हो गया। सो मैं उसको ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ एंड ढूंढते मैं एक डिफरेंट लोकेशन पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पर तो और भी ज्यादा लोग होते हैं। यहाँ पर तो एक मंकी था जो कि मेरी बार बार किस्सी लिए जा रहा था। डोंट ट्राई टू किस मी ब्रो। सो इनके साथ काफी देर तक मजे करने के बाद ये सारे के सारे मंकी मेरे दोस्त बन जाते हैं एंड फिर वो मेरे को बताते हैं कि आखिर मेरे को इस गेम में कैसे क्या क्या चीजें करनी है। बाय द वे मैं तुम्हें एक चीज तो बताना भूल ही गया, रिमेंबर वो दोस्त जो कि मेरे को स्टार्टिंग में मिला था एंड उसने मुझे ये गेम खेलना सिखाया था, उसने मुझे अपना खाना खिलाया था। और इफ यू डोंट नो, इस गेम के अंदर खाना पैसे से खरीदा जाता है। दैट मींस उसने अपने पैसे खर्च किए मेरे को खाना खिलाने के लिए। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है ब्रो। सो या मैं इस गेम को काफी देर तक खेलता हूँ क्योंकि अब मेरे फ्रेंड्स बन गए थे, ये मेरे को मेरा नाम चेंज करना सिखाते हैं, ठीक है। इसको खेलने के बाद मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है एंड मैं डिसाइड करता हूँ कि अभी मुझे कुछ और करना चाहिए। सो तब तक रात हो चुकी थी एंड मैंने खाना वगैरह खाया था एंड फिर उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं जाऊंगा अपनी छत पर। तो मैं अपनी छत पर निकल जाता हूँ। सो छत पे जाने के बाद मैं दोबारा से कुछ और गेम्स खेलता हूँ एंड तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि छत पे सारे के सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे। बहुत वियर्ड हो रहा था, बट मैं क्या भाई, मैं तो अपने वीआर में हूँ।
सो मैंने अपनी छत पे खेला था एक बॉक्सिंग वाला गेम। अगर गेम प्ले ना दिखाऊं तो ये क्लिप कुछ इस तरीके का दिखता है, बट अगर गेम प्ले दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखता है। सो काफी देर तक मैंने ये बॉक्सिंग वाला गेम खेला और मैं ये गेम जीत गया था। एंड ये बॉक्सिंग वाले गेम के बाद मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने दोबारा से एक और गेम खेला जो कि था वीट सेवर। या मेरे को वीट सेवर से प्यार हो गया है भाई, तो मैंने दोबारा से वीट सेवर खेला बहुत देर तक। सो उसके बाद मैं आता हूँ अपने बिल्डिंग के नीचे एंड बहुत ज्यादा रात हो जाती है, तो मैं सोने की कोशिश करता हूँ। मैं एक घंटे तक बस सोने की कोशिश कर रहा था बट मेरे को नींद नहीं आ रही थी। ब्रो इसमें सोना बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं पिछले एक घंटे से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है भाई इसमें। फ्रे क्या लोग कैसे कर लेते हैं ये, और अब तो मैंने उसको बंद भी कर दिया, ये स्विच ऑफ है। लेट्स सी कितना टाइम लगेगा सोने में। बट ये कोशिश करते करते मेरे को पता नहीं लगा कि मैं कब सो गया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मैं उठा तब मेरे को पता लगता है कि मेरा वीआर पूरा स्विच ऑफ हो रखा है, क्योंकि वो पूरा लो हो गया था। तो उसके चक्कर में मेरे को अपना वीआर उतारना पड़ा। मेरे को सिर्फ 3 घंटे और चाहिए थे 24 घंटे को कंप्लीट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वीआर उतना चार्ज ही नहीं था एंड विदाउट चार्जिंग मैं अपने वीआर के साथ कुछ कर नहीं पा रहा था। एंड फिर मेरे को अपना वीआर उतारना पड़ा एंड वहां पर मेरा ये चैलेंज फेल हुआ। इस तरीके से मैंने स्पेंड किए ऑलमोस्ट 24 घंटे इन वीआर। देखो अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो कि तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे। इस वीआर चैलेंज को करते करते एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मेरे को बुखार आ गया था और मैं इस चैलेंज को रिग्रेट कर रहा था करते हुए। आई रिमेम्बर मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज भी किया था कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को बुखार आ गया है एंड मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बट स्टिल मैं चाहता था कि मैं देखता हूँ आखिर मेरे को कितना मेहनत लगेगा इस पूरे चैलेंज को करने के लिए। इफ इसकी बैटरी डाइट ना होती तो मैं मोस्ट प्रोबेबली पूरा चैलेंज कंप्लीट कर लेता, बट स्टिल आई थिंक इट वॉज वर्थ इट, मुझे मजा आया। हेलो सो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये वीडियो में मेरे को बहुत मेहनत लगा था, आई होप तुम लोग को मजा आया हो। मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। स्टे कान ऐसे और बोल देता हूँ। What did I do? Did I break something? Oh, I almost broke my lights, bro.